तेसा व्यूअर्स की भेजी हुई तस्वीर और वीडियोस पे तबसरा शुरू करते हैं। चलो जी, पहले ये तस्वीर देखें। वाह वाह वाह, देखो ये ना सारे मोहल्ले की कोई छत है। नहीं यार, किसी हॉस्टल की छत पे तालिबे इल्म सोए हुए हैं। और ये देखो कि हुकूमत ने मयार तालीम कितना बुलंद कर दिया, जमीन से छत तक ले गए। तो मयार तालीम कैसे बुलंद होगा, किताबें तो एक के पास भी नहीं पड़ी हुई। वो तो जमीन पे भी नहीं पड़ी होती। तो मयार तालीम फिर ख्वाब भी बुलंद कर रहे हैं। वैसे लोड शेडिंग फेस करने का बहुत आला तरीका है। ये मल्लों में भी अपनाया जा सकता है, मगर मल्ले में ये तरीका बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि इन चार पहियों में एक चार पही बाबे की भी होती है। और यही नामराज आराम से सोए हुए ने बाबे की चार पही उठा के चपड़ के किनारे रखा थे। अब जी साहब एक वीडियो ये ले। ये क्या है जी? अजीज साहब, ये खारिज करवाने का नया तरीका। बहुत अच्छे। इतनी बड़ी क्रेन के साथ सिर्फ खारिज कर रहा है वो? जी ये देखें। शाबाश, ऐसे लग रहा है हम अमेरिका से इमदाद ले रहे हैं। हाँ, जितनी हम उसकी खिदमत करके जितने पैसे लेते हैं, वो इतने बड़े अमेरिका से खारिज करवाने वाली बात है। पाई पीछे भी देखो, खारिज करते करते वो ऐसे करके कहीं उठा ही न ले। चले जी साहब, अब एक और तस्वीर देखें। आहा हा हा, ये अकरम उदास ड्रामा करने जंगल में गया हुआ है। ये साथ मेरा ख्याल है बनमानस ड्रामे का प्रोड्यूसर है। और अकरम उसको कह रहा है कि देख भरा बनमानस, आज आखिरी शो है, आज मेरी पेमेंट दोगे तो मैंने शो करना है, ये मत मैं बता दू। अगर पेमेंट तुमने ना मेरी आज दी, तो तुमने एक तरह से दूजे पे छलांग लगानी है, तो मैंने टहनी पीछे कर लेनी। और सीधा तुमने लक पर ने नीचे करना है, तुम्हें पता चल जाएगा पेमेंट किसी की कैसे मार दे। यार अकरम उदास कहां से आ गया भाई, को फ्रीकी बशिंदा है वो, हर तरह के जानवर पाल लेते हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ तोता ही पालते हैं। बुजुर्ग माइया बैठ के घर में तोते सी बातें करती रहती। मेरी बड़ी ताई थी ना, वो सारा दिन तोते को ही कहती रहती थी, मैं मिठू वे माई जिंदगी तो बड़ी अक गई, मैं मिठू वे मैं बड़ी अक गई। एक दिन ताए ने समझाया, पल ये लोग के को अकल करया कर, तोते की बजाय अगर फरिश्ते ने सुन लिया तो फिर क्या होगा। चले जी साहब, अगली तस्वीर देखें। लेडी जूती पहन रही है। ये कौन सी है जी? मौलाना नसरीन साहब है तो यंग आदमी, मेरा ख्याल है इसकी अभी शादी नहीं हुई हुई। शादी आ गई है नजदीक, और ये लेडी जूती पहन के फील करना चाहता है कि कितनी को वजनी होती है। और अब एक वीडियो जी साहब ये लें। अंदर खड़ा हो गया, देखो छत की बजाय वो दीवार पहले गिरा रहा है। होए होए होए, हिम्मत देखो, खतरनाक काम कर रहा है ये। बस थोड़ी सी रह गई, धर्म तेरा पला हो जाए। यार तुम हंस रहे हो, वो नीचे आ गया। नहीं नहीं, नीचे नहीं आया, बच गए बच गए। देखो अभी हंसेगा बाहर आके। शाबाश, दौड़ गया उस तरफ। ये देखो आ गया ना, अकल को हाथ मार भाई, हद हो गई है तुम्हारे वाली। वही साबड़े इस कन्नल एक तरह आने वाला, जिस स्टैंड पे बैठा उसी को काट रहा है, जिस छत के नीचे खड़ा है उसी को गिरा रहा है, हद हो गई। चलिए जी साहब, अब एक तस्वीर। वाह जी वाह, नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने की खुशी में हलफ के अगले दिन रक्षा फ्री चलेगा। हाय हाय, कैसी जज्बाती कौम है हमारी। इसी बेचारे के चार चलान कटे हुए ना, तो इसने सड़क पे खड़े होकर नवाज शरीफ के खिलाफ तकरीर कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एसपी ट्रैफिक लाहौर नवाज शरीफ है। यार मेरे काम साए का सवेरे फ्रिज सड़ गया, तो बाहर खड़ा होकर कह रहा चंगा नवाज शरीफ आया जो फ्रिज ही सड़ गया। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मैं आश्री भी रहा, ये बना है या ओवर वोल्टेज बना है तुम्हारी फ्रिज साड़ गया, हद हो गई है तुम्हारे वाली। अच्छा जी साहब, अब एक तस्वीर मौसम की मुनासिबत से देखें, ये ले। आहा हा हा,
बड़ी गर्मी है और ऊपर से लोड शेडिंग ने मात मारी हुई है, बिजली तो आती नहीं, इसलिए लोग घरों में एसी लगाते हैं। बाबा जी ने अपनी मंजी पे नहर लगवा ली नहर नहीं लगा ली, अपनी चारपाई नहर किनारे लगा ली है। एक की बात है यार, बाबा जी साथ साथ कलप भी रहे होंगे, ओ मुंडियो हौली छाला मारो छिटा, पापा मेरा हुका ठंडा कर छड़िया जी ना मराद रहत चढ़ चढ़ के नहर च डिगन डेडे तुसी चौसे तारू उतर त्यात लाल छारा मारे हो किधरे चौसे तो लंगड़ा ना बन जाना। ये गांव के लोग तो इसी तरह नहर के किनारे और ठंडे धुआने खा खाई गर्मी दूर कर रहे होते हैं। हमारे शहरों में तो पता ही नहीं इन चीजों का। कल तुम्हारी परजाई मुझे कहती है जीजी जाओ ठंडा धुआना तो लेके आओ, पास से मेरा छोटा पुत्र कहता है पापा चॉकलेट वाला लाना। मैंने कहा शाबाश, चॉकलेट वाला कौन सा धुआना होता है बेटा? धुआना स्ट्रॉबेरी वाला होता है, सुरख होता है ना, इसलिए कह रहा हूँ। नजीनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।